राजनीति वाले राजनीति करे, राजनीति करे, पैसा कम करके पेंशन का जेब अपनी भरे, इन्हें परवाह नहीं डिसीजन से कर्मचारी मरे, बस वोट पाने के लिए ये बोले हरे हरे, बस नाम की रह गई आजकल सेवा, मांगे पैसा बदले में जो उसे बोलते नहीं सेवा, लोग खाए सूखी रोटी ये सड़क के फेंके मेवा, मतलब समझत न तू सा कारोबार का सा देवा, सरकार उठा रही कदम ठोस जो बन गए जनता के लिए उम्र बीत गई, घिस घिस के घुटनों को जिनकी तमाशा करो नारे जिंदगी को उनकी, एनपीएस नहीं हमें तो ओपीएस लगे ढंग की, देश आगे कैसे बढ़े जब कर्मचारियों की तंगी हो रही, पति मर गया और तू भूखी सो रही, देखो जरा घर का बाप जाने के बाद पैसों की कमी से फैमिली भी रो रही पर कौन सुने, पर कौन सुने, अनसुनी आवाज तभी बन के आई है सैलाब, कर्मचारियों की है बात, मिलती जो बोले आजाद कर दो हमें हमारा क्या पाप, दे क्यों रहे हमें शाप, दे दो हमें हमारा हक आज। हमें लड़ना होगा, कुछ करना होगा, सरकार को अटेंशन भी देना होगा, हमें लड़ना होगा, कुछ करना होगा, सरकार को अटेंशन भी देना होगा। पेंशन का हक है हमारा, उसे पाके रहेंगे हम, पेंशन की बातें सारी मिलके खत्म करेंगे हम, हम सेवक है जनता के, शासन पे न कोई रोष है, बिना पेंशन जिए कैसे, उन्हें इसका न कोई होश है, अब होगा सर ऊंचा जीवन की उतरन में, हम खेलेंगे ये बाजी इस मुश्किल शतरंज में, हमें लड़ना होगा, यही अड़ना होगा, सरकार को पेंशन देना ही होगा, हमें लड़ना होगा, यही अड़ना होगा, सरकार को पेंशन देना ही होगा, सरकार को पेंशन देना होगा। मैं एक सैनिक हूं, लुटाता रहूंगा देश पर अपनी जान। हाँ, लुटा दी इन्होंने भारत माँ के लिए अपनी जान, सीआरपीएफ के लिए शहीद का दर्जा भी मिला, खूब नाम हुआ देश में, बड़ी फोटो भी छपी थी पेपर में, चौक चौराहे पर बैनर लगे, अरे मंत्री जी भी तो आए थे मिलने। साल बीत गए, अब कोई नहीं आता, कोई नहीं पूछता, मेरे पति ने देश की हिफाजत की, उनके जाने के बाद उनके परिवार की हिफाजत कोई नहीं कर सका, क्यों? क्योंकि इस देश में मंत्री जी को पेंशन है, लेकिन इस देश के लिए शहीद जवान के परिवार को पेंशन नहीं। हाँ, हमें भी चाहिए पुरानी पेंशन, हमारा भी परिवार सुरक्षित रहे, हमारे भी बच्चे पढ़ लिख कर अफसर बने। कौन करेगा, कौन करेगा न्याय? मैं एक शिक्षक हूँ, पढ़ाता हूँ मिट्टी के घड़े की तरह, युवा पीढ़ी को आकार देता हूँ, राष्ट्र निर्माण में मेरा योगदान उच्च स्थान पर है। 2005 के बाद सरकार ने पुरानी पेंशन बंद कर दी, परिवार की चिंता होती है, करे तो क्या? मैं किसान हूँ, जमीन बेचकर बेटे को पढ़ाया, अफसर बनाया, लेकिन दुर्घटना में उसकी मौत हो गई, हमारे बुढ़ापे का सहारा छीन लिया, किसे बताऊं? पुरानी पेंशन होती तो परिवार को सहारा मिल जाता, किससे न्याय की मांग करें? जो न्याय करते हैं उनको पुरानी पेंशन है, न्याय तो सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए ना। मैं चपरासी हूं,
देश के विकास में मेरा योगदान क्या बताऊं? मुझे नहीं पता। हाँ, मैं साफ सफाई स्वच्छता रखता हूँ, ये भी तो देश की सेवा ही है ना। अरे ये लो, सरकार ने कितनी अच्छी स्कीम बनाई है और इनका तो हमेशा का ही रोना है, पुरानी पेंशन दो, पुरानी पेंशन दो। जो है उसमें खुश रहना चाहिए कि नहीं? हाँ सही कहा आपने, आपको पुरानी पेंशन है, आप तो खुश है, आपको क्या लेना देना हमारे सुख और दुख से। अगर सच में नई स्कीम अच्छी होती तो हम पुरानी पेंशन की मांग क्यों करते? कुछ तो परेशानी होगी ना भाई, आप इसी तरह अपना पल्ला झाड़ते रहे, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं करके दूर होते गए। हम सब कर्मचारी हैं तो मिलके साथ लड़ना चाहिए कि नहीं? कल आपके भी बच्चे पुरानी पेंशन की मांग करेंगे, तब आप उनका साथ नहीं देंगे? बोलिए। बात तो सही है, तो फिर चलो मिलके लड़ते हैं और अपना हक पुरानी पेंशन वापस लेकर दिखाते हैं। वापस लेकर दिखाते हैं। हमें लड़ना होगा, यही अड़ना होगा, सरकार को पेंशन देना ही होगा। हमें लड़ना होगा, यही अड़ना होगा, सरकार को पेंशन देना ही होगा, सरकार को पेंशन देना होगा।